राम राम जी। मैंने बहुत सारे भतेरे इंजन करा और इंजनों में ये सील लगाने का मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि सील लगाने का थोड़ा सा एक ऐसा सीक्रेट है मेरे पास कि बहुत सारे लोगों को दिखाऊं तो हो सकता है कि मेरा तरीका गलत हो। ये चीज सोच के मैंने नहीं दिखाता हूं, क्या पता उनका लगाने का तरीका कुछ और हो, हमारे तरीकों को गलत मान जाए। पर बहुत सारा कमेंट आया तो फाइनली आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा और इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि बताया जाए। तो देख सकते हैं सील कौन सी है, ये वाली सील है जिसमें स्प्रिंग नहीं होती है। अब इस सील की फिटिंग करेंगे, किस तरीके से फिटिंग करेंगे वो टोटली चीज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो ये है रिनल्ट की डस्टर और कर रहे हैं हम इसका फुल इंजन ओवरऑल। तो आइए सील को लगाते हैं। इसको लगाने के लिए एक आपको प्लास्टिक का डब्बा काटना पड़ेगा और अभी लो एक प्लास्टिक का डब्बे वाला, दो ऐसे प्लास्टिक का कुछ काट लेना और पास में आ जाओ। देख सकते हैं सील, अब ये देख सकते हैं ये। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे मैकेनिक भाई जितने भी हैं, कई सारे हैं, ये सोचते हैं कि इसको दबाने से फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका दबाने का ही मेन सीक्रेट है। लगाने के लिए ऐसा प्लास्टिक का कोई चीज काट लो, इसके अंदर ऐसा करके फाइनली ये घुसा लो। घुस गया। अब हमें क्या करना है, यहां ध्यान देने वाली बात है, जल्दी का अपने पास कोई काम नहीं है, ध्यान से सुनना। ये ऐसे दबाते रहना इसको, अब दबाते रहेंगे जैसे जैसे, तो ये लूज होता रहेगा। आप देख लो, फटेगा नहीं पर ये, और सील एक बार में सेट होगा भाई, बार बार लीकेज का काम नहीं अपने पास। हमने दबा लिया तीन चार बार, ठीक है। अब इसको निकाल के कर दो साइड में। अब इसको ऊपर से लगाना है, देखो नीचे और पास में लेके आओ। ऊपर से ऐसा कर लिया, पिन पेचकस ले लो, ऐसा पिन पेचकस, और पहले इधर से जो दिखाई ना दे हिस्सा को उधर से करते जाओ, ठीक है। ये बहुत सावधानी से, जल्दी का कोई काम नहीं है भाई। ये हो गया डन। ये देखो, अब दोबारा से निकाल के एक बार दिखाता हूं मैं आपको, कहीं से कोई क्रेकनेस तो नहीं है। फिर दोबारा से ऐसे ही लगेगा, ये थोड़ा सा दबा लिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन, थोड़ा सा दूरी कर लो। अब ये सील बैठ गया, पूरा अंदर चला गया। अब इसको हम स्मूथली डन कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे हथौड़ा क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, हथौड़ा भी यूज करूंगा, अभी आपको दिखा दिया मैंने। अब ले आओ इमरान भाई हथौड़ा, इसे सेट कर दो सील को। इतना ही काम होता है बस कि सील की सही जो किनारी है वो सही तरीके से अंदर कर दीजिए। एक हथौड़ी दो जरा, ये हो गया बिल्कुल डन। और आ जाओ पास में और फिर दिखाओ, ठीक से, ठीक है। अभी कोई मैंने कोई बॉन्ड यूज नहीं किया, कोई कुछ यूज नहीं किया, बिल्कुल सेट हो गया है। नई सील डल गई और देख सकते हैं पूरा इंजन ओवरऑल कर रहा हूं। ये सारा ओरिजिनल हेड गैस्किट रिनल्ट का, पिस्टन देख सकते हैं सारे न्यू। और चूंकि इसका इंजन का मैं वीडियो दे नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बतेरा इंजन दे रहा है, वीडियो दे चुका हूं। और हेड भी देख सकते हैं, येरा टका टक टका टक, तो भाई ऐसे माल डलेंगे इंजनों पे तो क्या असर होगा। तो ये रहा भाई, तो ये रहा पूरा ऑयल सील सेट करने का तरीका हमने आपको दिखाया। आपको अच्छा लगे तो सिर्फ घंटी दबाना बस, सब्सक्राइब करके लाइक पाइक और जो करना है कर देना बस। अच्छा लगे तो, नहीं लगे डिसलाइक मार के वीडियो को खराब करना, ठीक है। तो ओके थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू।